सुप्रभात बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी कविता चींटी रानी। इस कविता में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा चींटी से कह रहा है कि चींटी रानी थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो, और चींटी एक बच्चे को क्या बताती है, क्या सिखाती है, वही हम इस कविता में सीखेंगे। चींटी जो हमेशा मेहनत करती रहती है, हमेशा चलती रहती है, और वो बरसात के मौसम के लिए अपने घर में चावल, चीनी, आटा, राशन लाकर इकट्ठा करती है, ताकि जब बारिश का मौसम आए तो वो घर में रहकर आराम से खा सकती है। तो और हमें भी यही सिखाती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर कोई ऐसा समय आए जब हम किसी परेशानी में हो तो हम उसका डटकर सामना कर सकें। तो आज हम इसी कविता को सीखेंगे। हमारी कविता का शीर्षक है चींटी रानी। सुनो सुनो ओ चींटी रानी, इतना अधिक न काम करो, बैठो कुछ क्षण तुम छाया में और जरा आराम करो। तो चींटी क्या बोलती है बच्चे से? चींटी बोली, प्यारे बच्चे कैसे कर लूँ मैं आराम, अभी शेष है मेरा काम, चावल चीनी आटा राशन ढो ढो कर ले आऊँगी, जब होगा बरसात का मौसम घर पर बैठी खाऊंगी। मतलब चींटी अपने आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। तो हम एक बार फिर से सीखते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है चींटी रानी। सुनो सुनो ओ चींटी रानी, इतना अधिक न काम करो, बैठो कुछ क्षण तुम छाया में और जरा आराम करो। चींटी बोली, प्यारे बच्चे कैसे कर लूँ मैं आराम, अभी शेष है मेरा काम, चावल चीनी आटा राशन ढो ढो कर ले जाऊँगी, जब होगा बरसात का मौसम घर पर बैठी खाऊंगी। धन्यवाद। तो बच्चों, इस कविता का आप अभ्यास करें, इसे याद करें। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए